नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मौसमी। आपको मौसमी क्विजिन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे भेज चाउमीन। इसके लिए हमने 250 ग्राम चाउमीन लिया है। व्हाइट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। एक हरी मिर्च को हमने चॉप करके ले लिया है। 100 ग्राम कैबेज लिया है। एक छोटा चम्मच हमने लहसुन लिया है, इसको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। 50 ग्राम गाजर लिया है। एक छोटा सा प्याज को हमने चॉप करके ले लिया है। एक छोटा सा कैप्सिकम को हमने काट के ले लिया है। स्प्रिंग अनियन लिया है हमने 50 ग्राम। स्प्रिंग अनियन की व्हाइट पोर्शन लिया है हमने 50 ग्राम। एक छोटा चम्मच हमने विनेगर लिया है। एक चम्मच हमने सोया सॉस लिया है। दो छोटा चम्मच हमने टमाटो सॉस लिया है। दो छोटा चम्मच हमने ग्रीन चिली सॉस लिया है। दो छोटा चम्मच हमने रेड चिली सॉस लिया है। एक चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है। नमक इस्तेमाल करेंगे स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉयल कर लेंगे, इसलिए पानी हम गर्म होने रख देते हैं। पानी गर्म हो गया है, इसमें एक छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। एक छोटा चम्मच तेल ऐड कर देंगे। अभी पानी में उबाल आ चुका है, अभी हम नूडल्स को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए नूडल्स को कुक करेंगे। हमने नूडल्स को 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है। नूडल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है। नूडल्स हमारा कुक हो गया है, अब इसका पानी हम छान लेंगे। इसका पानी हमने छान लिया है, इसको 2 बार हम ठंडा पानी से धो देंगे। अच्छी तरह से हम नूडल्स को धो देंगे, नूडल्स हमारा ठंडा हो जाएगा। अभी ऊपर से हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इसको नूडल्स में हम मिला देंगे। अगर आप नूडल्स को थोड़े टाइम बाद भी पकाएंगे तो ये स्टिकी नहीं हो जाएगा। गैस चालू करके कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है। अभी हम चाउमीन बनाएंगे, इसलिए कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे। तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल अभी गर्म हो चुका है, इसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। हम प्याज लहसुन ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो प्याज लहसुन के बिना भी चाउमीन बना सकते हैं, बाकी सब इंग्रेडिएंट सही रहेंगे, तो प्याज लहसुन हम ऐड मत करना। अभी इसमें प्याज ऐड करेंगे। अभी हम हरे प्याज की व्हाइट पोर्शन ऐड कर देंगे। तो हल्का सा फ्राई करेंगे। अभी इसमें हम कैरेट ऐड कर देंगे और इसके 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अभी हम कैबेज ऐड कर देंगे। सारे सब्जी हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे, चाइनीज खाना थोड़ा कच्चा रहता है तो इसलिए इसको ज्यादा कुक नहीं करेंगे। इसको भी अब 1 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। अभी इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसको भी 1 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक नूडल्स बॉईल करने के टाइम पे हम ऐड कर चुके हैं और सॉस में भी नूडल्स होता है, इसलिए अभी थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। हम इसको मिला देंगे। अभी हम थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर देंगे, इसको मिला देंगे। अभी नूडल्स ऐड कर देंगे। अभी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। सोया सॉस ऐड कर देंगे।
ग्रीन चिली सॉस ऐड कर देंगे। रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। अभी हम नूडल्स को मिलाएंगे अच्छी तरह से। अभी इसमें विनीगर ऐड कर देंगे, इसको मिला देंगे। नूडल्स हमारा बन गया है। अभी हम वेज चाउमीन को सर्व करेंगे। वेज चाउमीन को हमने सर्व कर दिया है, ऊपर से हम टमाटर सॉस डालेंगे। गर्मा गर्म वेज चाउमीन तैयार हो चुका है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। आपके अनुभव अब मोशन क्विज़िन में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारे आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, और रेसिपी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।